हेलो एवरीवन तो आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन निमी पर आधारित होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये सभी ट्रेड्स के लिए इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और पी में मैंने पचास क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन मैंने रखे हैं पी में तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एस पर फैक्ट्री एक्ट 1914 8 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर आर मोर देन इफ वर्कर आर मोर देन फैक्ट्री अधिनियम के तहत 1948 में फैक्ट्री अधिनियम के तहत फैक्ट्री में कैंटीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए इफ यदि वर्कर आर मोर देन यदि जो श्रमिक हैं वो होने चाहिए कितने होने होने चाहिए चाहिए। 250 250 से से ज़्यादा। ज़्यादा श्रमिक है रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज फैक्ट्री अधिनियम के तहत तो महिलाओं के काम करने का समय वैध है कब बिफोर सिक्स ए एम एंड बियॉन्ड सेवन पी एम सुबह छह बजे से पहले और सात बजे के बाद महिलाओं के काम करने का समय वैध है थर्ड क्वेश्चन है अंडर द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन फैक्ट्री अधिनियम के तहत श्रमिकों का जो साप्ताहिक काम करने का जो काम करने के जो घंटे होते हैं वो अधिक नहीं होने चाहिए कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए उनका साप्ताहिक काम 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए 48 एट हावर फोर्थ क्वेश्चन है है? व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ़ आईएलओ। का विस्तृत रूप क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962 1962 में ईपीएफ अधिनियम के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है तो वो है ऑप्शन सी 12% परसेंट ट्वेल्व परसेंट है सिक्स नंबर क्वेश्चन है विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजिस amount as per payment wages act as per payment wages act भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है तो वो शामिल होती है महंगाई भत्ता महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस ऑप्शन ए डियरनेस अलाउंस सेवंथ नंबर क्वेश्चन है व्हिच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड शनल हेल्थ एंड सेफ्टी कौन सा कारक व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है कौन सा कारक है वो है सैलरी वेतन ऑप्शन डी सैलरी एट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूशन इनमें से कौन एक एयर पॉल्यूशन का कारण है वो है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड नाइन्थ क्वेश्चन है विच विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कर हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर वर्कर्स अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्रदान करती है तो वो कौन सी बीमा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ऑप्शन डी इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑप्शन डी इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट क्वेश्चन लेवल टू के क्वेश्चन करने वाले हम फर्स्ट क्वेश्चन है फिज वोन चार्ट इज आल्सो नोन आल्सो कॉल्ड एस फिज वोन चार्ट का को हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं उसको हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ऑप्शन ए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम सेकेंड क्वेश्चन है इन पीडीसीए साइकिल पी स्टैंड फॉर सबसे पहले हम पी डी सी ए का फुल फॉर्म समझ लेते हैं पीडीसी मींस होता है पी फोर होता है प्लान जैसा कि क्वेश्चन में पी पूछा है पी स्टैंड फॉर डी होता है डू सी होता है चेक और ए होता है एक्ट प्लान डू चेक एक्ट क्वेश्चन में पूछा है पी पी स्टैंड पी स्टैंड क्या होता है प्लान ऑप्शन बी राइट होगा प्लान थर्ड क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ इज का विस्तृत रूप क्या है तो वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन डी क्वालिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देखिए मैंने 50 क्वेश्चन की ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो आप उसको जरूर पढ़िएगा जरूर देखिएगा उन क्वेश्चन को क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है चलिए वी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए डालने वाले हैं चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द पी डी सी ए मीन्स पीडीसीए मीन्स हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था पीडीसीए उसमें पूछा था फॉर इसमें क्या पूछ रहा है PDCA. PDCA means, यानी प्लान डू चेक एक्ट वो कौन सा ऑप्शन है प्लान डू चेक एंड एक्ट प्लान डू चेक एक्ट सिक्स सॉरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर वो कितने होते हैं वो होते हैं सेवन ऑप्शन सी राइट होगा सेवन सिक्स नंबर क्वेश्चन है वाट डेरी स्टैंड ऑप्शन ए सॉर्टिंग आउट सॉर्टिंग सॉर्टिंग आउट आउट यानी सुलझाना सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स राइट होगा इंडिकेट सेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन सी इंडिकेट से वॉट इज देशन लास्ट स्टेप इन आई एस ओ नाइन थाउजेंड रजिस्ट्रेशन वो है कौन सा लास्ट स्टेप होगा सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट ऑप्शन डी सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट नाइन्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ यूज फॉर वर्ड वेस्ट वॉट इज द नेम यूज फॉर वर्ड वेस्ट ऑप्शन ए राइट होगा मूडा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा द क्वालिटी विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वान्टिफाई द क्वालिटी राइट होगा क्यू इज इकल टू पी अपॉन क्यू क्यू इज इकल टू पी अपॉन क्यू ऑप्शन ए राइट होगा Q बेसिक क्वालिटी सर्किल विच वन इज नॉट क्वालिटी सर्किल तो वो कौन सा है वो है टॉर्क ब्रेंच ऑप्शन डी टॉर्क ब्रेंच ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड आई एसओ स्टैंडर्ड विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड आई एस ओ स्टैंडर्ड वो कौन है वो कौन नहीं है सॉरी आई एस ओ नाइन थाउजेंड टेन ऑप्शन ए राइट होगा आई एसओ नाइन थाउजेंड टेन ये सर्टिफाइड नहीं है आई एस ओ के स्टैंडर्ड से थर्टी क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी राइट आंसर होगा क्वालिटी ऑफ नॉन कंफर्मेंस ऑप्शन डी quality of non conformance non conformance